हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए क्लास फर्स्ट के बच्चों के लिए मैथ्स की वर्कशीट, ओके, मैथ्स की ये वर्कशीट है। ये थोड़ी सी अलग है इसलिए क्योंकि आजकल जो है बच्चों के ऑनलाइन टेस्ट हो रहे हैं, सब बच्चे जो है टैब पर फोन पर ही टेस्ट दे रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, ऑप्शनल होते हैं, जो भी क्वेश्चन होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं। सो बच्चों को उसी तरीके से अगर हम तैयारी करवाते हैं तो बच्चों के लिए भी बहुत ईजी हो जाता है और साथ ही साथ हमारे लिए भी बहुत ईजी हो जाता है कि हम बच्चों को किस तरीके से उन पर तैयारी करवा सकते हैं। तो ये जो वर्कशीट है आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। ये क्लास फर्स्ट के बच्चों के भी काम आएगी, क्लास टू के बच्चों के भी काम आएगी, अगर उनका सिलेबस के ऊपर डिपेंड करता है कि उनका सिलेबस जो है वो कितना है, किस तरीके का है। सो वीडियो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर वन जो है इसमें टिक राइट टू द करेक्ट वन, ओके, जो करेक्ट वन है उस पर हमें टिक करना है। सो फर्स्ट इज 140 जो है उस पर हमें करेक्ट करना है। सो दिस वन इज 104 114 140। सो टिक कर दिया हमने इसको, ठीक है, इस तरीके से। या आप सर्कल दे सकते हैं बच्चों को, मोस्टली टिक ही करने के लिए दीजिएगा, ये सही रहता है। नेक्स्ट है 176 176, ये है 716 176 167 107। तो हमसे पूछा है 176, तो दिस वन इज राइट, सो वी टिक है। 68 हैज 8 वंस एंड टेंस, कितने टेंस है इसमें, 8 तो वंस हो गया, टेंस कितने हैं, 6। सो हम इस पर टिक भी कर सकते हैं और हम यहाँ पर लिख सकते हैं, बट ये टिक वाला है इसीलिए हम इस पर टिक करेंगे, क्योंकि जब भी बच्चा ऑनलाइन टेस्ट करता है तो मोस्टली टिक वाले ही उसमें आते हैं, लिखने के लिए कम आता है, क्योंकि बच्चों को जो है छोटे बच्चे हैं अभी तो इतना यूज़ नहीं करना आता है फ़ोन वगैरह उनको। सो फाइंड द बिगेस्ट वन, इसमें से हमें बिगेस्ट नंबर जो है उसको फाइंड आउट करना है। सो फाइंड आउट करेंगे हम 124 109 160 160 160। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, आपको बच्चों को स्मॉलेस्ट नंबर पता करवाना है। सो इजी तरीका है, पता होता है वैसे भी, जब भी हमें स्मॉलेस्ट देखना है या बिगेस्ट देखना है तो हम टेंस के प्लेस को या हंड्रेड्स के प्लेस को देखते हैं। सो इसमें हमें क्या देखना है, टेंस के प्लेस पे स्मॉल नंबर कौन सा है, दिस। सो हमारा ये हो गया स्मॉलेस्ट नंबर। नेक्स्ट जो है वो इस तरीके का है, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट, अंडरलाइन जिनको क्या हुआ है उनकी प्लेस वैल्यू हमें पता लगानी है। तो हमारे पास में कौन सा नंबर है, 120 120, इसका हमें 2 का प्लेस वैल्यू निकालना है। सो ये होगा 10, नो 200, नो 20 2020 2020, यस, ये हमारा करेक्ट हो गया। अब हमें प्लेस वैल्यू निकालना है वन जो अंडरलाइन किया हुआ है इसका, ये कहाँ पर है, वंस टेंस हंड्रेड, ये हंड्रेड की प्लेस पे, तो 10 190 100, ये हो गया हमारा करेक्ट। इस तरीके से जो है आप बच्चों को लिख करके दे सकते हैं, बहुत सिंपल रहता है, बहुत इजी रहता है, और आजकल जो ये इसी तरीके का चल रहा है तो ये बहुत सही वर्कशीट है बच्चों के लिए। राइट इन हंड्रेड्स टेंस एंड वंस, हमें इस तरीके से जो एक नंबर दिया होगा उसको हमें हंड्रेड्स टेंस और वंस में लिखना है। सिक्की ये है 137 103 10 4 1s, नो इट्स रॉन्ग, 103 10 7 1s 103 10 7 1s, तो हमारा ये वाला सही है, ओके। चूज द फॉल्स स्टेटमेंट, जो भी गलत स्टेटमेंट है हमें उसको चूज करना है, ओके। सो 146 हैज 4 1s, वंस की प्लेस पे यहाँ पे 4 है, नो इट्स रॉन्ग, 146 हैज 4 10s, यस 4 10s के प्लेस पर है ना, 146 हैज 400s, रॉन्ग, ओके। सो हमने जो भी हमारी चूज थी, गलत थी हमारी जो, वो हमने निकाल दिए और राइट पर हमने टिक कर दिया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें हम क्या करवा सकते हैं बच्चों को, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है चूज़ द करेक्ट नंबर नेम, करेक्ट नंबर नेम बच्चों को चूज़ करना है। ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे, है 175, सो 157 ये रॉन्ग है, 173
175 है, ये भी रॉन्ग है हमारा, 175, तो हमारा ये हो गया सही। इस तरीके से अगर आप बच्चों को देते हैं तो अगर बच्चा रीड भी करेगा ना उसको, तो उसको एक तो थोड़ा सा उसको समझ में आएगा कि वो क्या पढ़ रहा है, साथ ही साथ वो इन सब वर्ड्स को पढ़ना भी सीखेगा। तो आप मोस्टली इसी तरीके से दीजिए, जैसे कि 109, सो 190 नो, 109 यस, हमारा ये वाला सही है, 119 नो, इट्स नॉट 19, इट्स 109। नेक्स्ट जो नंबर है हमारे पास में वो 225, 222, 225 है ये, नो इट्स रॉन्ग, 252, 225 है ये, नो रॉन्ग, 225 यस, ये वाला हमारा करेक्ट है। इस तरीके से अगर आप बच्चों को देते हैं ना, ये बहुत सही रहता है। मुझे इस तरीके की वर्कशीट बहुत अभी सही लग रही है, क्योंकि अभी कोरोना के टाइम पे जो है बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस ही चल रही हैं, तो इस तरीके की जो वर्कशीट बहुत सही रहती है। मोस्टली टिक वाले ही उनके क्वेश्चन आंसर आएंगे मैथ्स में भी और भी सब्जेक्ट्स में, तो मैं उसकी वर्कशीट भी आपके साथ में शेयर करती रहूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। द स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर इज, जो टू डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है वो कौन सा है, दिस 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 और दिस 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 दिस। इस तरीके से आप अपने बच्चों को जो है कंफ्यूज कर सकते हो कि टू डिजिट का स्मॉल नंबर कौन सा है, तो आपका बच्चा जो है इजीली आपको बता देगा कि टू डिजिट का जो है स्मॉलेस्ट नंबर 10। द बिगेस्ट टू डिजिट नंबर इज, जो टू डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है, 98, 102, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, क्यों, क्योंकि ये थ्री डिजिट्स का है, 99, 13, 99, ओके ये सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट है द बिगेस्ट थ्री डिजिट नंबर इज, 937, 136, 999, 943, सो 999 इज द बिगेस्ट। आप इस तरीके से बच्चों को ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके बच्चे को जो है स्कूल में कितना सिलेबस कराया गया है, आप उसके अकॉर्डिंग भी नंबर्स दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज़ द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द 145 को अगर हम एक्सपेंड करके लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, 100 + 400 + 5, नो इट्स रॉन्ग, 100 + 40 + 5, 145, तो हमारा ये वाला होगा सही। अब है 128, 120, 80, नो इट्स रॉन्ग, 128, ये हमारा सही है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये वीडियो अगर आपके लिए बिल्कुल भी यूज़फुल रहा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस तरीके की वर्कशीट मैं आपके साथ में और भी शेयर करती रहूँगी, बहुत ही यूज़फुल होने वाली है ये आज के समय में, क्योंकि बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, ऑनलाइन टेस्ट हो रहे हैं, ऑप्शनल ही मोस्टली बच्चों को भी आ रहा है, ऑप्शंस वाले ही होते हैं, तो ये बहुत सही रहेगी आपके लिए। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके बाय।